केरल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में रूलिंग कांग्रेस नीत यूडीएफ और एमसीपी की अगुवाई वाले अलायंस एलडीएफ पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये दोनों इस राज्य को लूटने में लगे हैं। मोदी ने कहा कि बीजेपी केरल में तीसरी ताकत बनकर उभरी है। केरल की जनता को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये 5-5 साल बाद एक बार आते थे, अब एक तीसरी शक्ति केरल में उभर करके आई है। एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ है केरल में। ये जो तीसरी शक्ति दिखाई दे रही है वो शंकर के तीसरे नेत्र जैसी है, जिस नेत्र से बुराइयां भस्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार नष्ट हो जाएगा, पाप से मुक्ति मिलेगी। ऐसा शंकर का तीसरा नेत्र, ये तीसरी शक्ति उभर करके आ रही है। मोदी ने कहा कि वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और एमसीपी नीत एलडीएफ पर निशाना साध रहे थे। पीएम ने त्रिचूर में पार्टी की ओर से आयोजित एक सभा को संबोधित किया। ये शहर भगवान शिव के वड़ाकुंठार मंदिर के लिए मशहूर है। न्यूज पॉइंट ब्यूरो।